हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो ब्रॉड। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जो व्हाट्सएप के फीचर्स को और कूल बनाता है और इन्हेंस्ड कर देता है। तो व्हाट्सएप के मेन ऐप में आप जैसा कि जानते हैं बहुत ऐसे कूल फीचर्स होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट, जो आपको उसे यूज़ करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा लगता है। बट ऐसे बहुत सारे ऐसे कूल फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप डायरेक्टली वे में प्रोवाइड नहीं करता है। सो हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जो आपको डायरेक्टली उसके थ्रू आप व्हाट्सएप को और कूल बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है। सो प्ले स्टोर में आने के बाद सबसे पहले आपको सर्च करना है व्हाट्सएप फॉर व्हाट्स टूल फॉर व्हाट्सएप। सो इसे मैंने सर्च किया और ये आप देख रहे हो पहले वाला जो आइकन है, इसे आप क्लिक करें और इसे आप डाउनलोड कर लें व्हाट्स टूल। सो जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसे आप ओपन कर लें। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। ये आप देख सकते हैं व्हाट्सएप स्टेटस, यानी कि जो जिन जिन लोगों ने स्टेटस लगा रखा है आज, तो वो आप यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही। एंड आप यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना, यहाँ पे डायरेक्ट चैट का एक ऑप्शन है सेकंड नंबर पे, यानी आप विदाउट सेविंग एनी कॉन्टैक्ट इन योर व्हाट्सएप यू कैन डायरेक्टली सेंड द मैसेज टू एनी वन। ओके, तो लाइक मैं यहाँ पे अगर मैसेज कुछ भी लाइक यहाँ पे नंबर किसी का भी मैं टाइप करता हूँ और यहाँ पे सेंड दबाता हूँ, तो डायरेक्टली आप लाइक विदाउट सेविंग, क्या होता है एक्चुअली व्हाट्सएप में आप जैसा कि जानते हैं जैसे ही आप नंबर सेव करते हैं तभी आप व्हाट्सएप में मैसेज सेंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो फीचर्स नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल का एक ऑप्शन है, डिटेल में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना नंबर डालो, कोई भी रैंडम नंबर जिसे आपको सेंड करना है, मैसेज लिखो जो भी मैसेज लिखना है, एंड देन आप यहाँ पे इसे लाइक सेव भी कर सकते हो। जो भी मैसेज आप लिखो यहाँ पे सेव कर लो, जैसे मैंने पिछले बार इसे सौरभ लिखा था तो ये ऑलरेडी सेव्ड है। एंड व्हाट्सएप में सेंड करना है या व्हाट्सएप बिजनेस में सेंड करना है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, या व्हाट्सएप बिजनेस या व्हाट्सएप, और आप सेंड कर सकते हो मैसेज या फिर इमेजेस वगैरह भी सेंड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही कूल फीचर है। सेकेंड कूल फीचर है यहाँ व्हाट्सएप वेब का, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप वेब इस ऐप में भी स्कैन कर सकते हो। लाइक आपको पता होगा कि आप व्हाट्सएप लाइक अपने लैपटॉप में स्कैन करके रख सकते हो, तो इसमें भी आप करके एक लाइक डुअल स्पेस होता है ना, एक एक साथ दो व्हाट्सएप चलाना, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद सर्च प्रोफाइल ऑन व्हाट्सएप, लाइक आप किसी का जैसे इसमें क्लिक करते हैं, अगर किसी का नंबर आपको जानना है वो व्हाट्सएप में है या नहीं है, आपको जानना है वो व्हाट्सएप में है या नहीं है, तो उसमें आप डायरेक्टली यहाँ पे आप नंबर टाइप करो एंड आपको प्रोफाइल सर्च करना है, तो आपको दिख जाएगा कि वो नंबर आपका प्रेजेंट है या नहीं है इस व्हाट्सएप पे। सो आप देख सकते हो। एंड सर्च है स्प्लिट लॉन्ग वीडियो। अक्सर क्या होता है ना, जो ज़्यादा एमबी का फाइल होता है लाइक व्हाट्सएप पे मैक्सिमम 100 MB का फाइल आप सेंड कर सकते हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट में हो या फिर विदाउट डॉक्यूमेंट हो, तो 100 MB से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। लेकिन इस ऐप के थ्रू आप 100 MB से भी ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हो बाय स्प्लिटिंग द लॉन्ग वीडियो। इसमें डायरेक्टली आपको क्लिक करके आप वीडियो सिलेक्ट करके इसको आप स्प्लिट वे में आप जितना भी लंबा वीडियो हो लाइक 500 MB 600 MB वो सेंड हो जाएगा। सो उसके बाद थर्ड ऑप्शन है फ़नी मैसेजेस। तो आप फ़नी मैसेजेस में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मैसेज टाइप करना है, उसके बाद स्टाइलिश मैसेज करके एक ऑप्शन है, तो स्टाइलिश मैसेज में टाइप करोगे देखो ये उल्टा हो गया, तो उल्टा नहीं लाइक राउंड सर्कल होके आ गया। तो बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक फ्लिप इट कर दोगे तो ये लाइक फ्लिप हो गया, टेक्स्ट रिपीटर कर दोगे तो यहाँ पे आप लाइक एक मैसेज को कितनी बार आप रिपीट करवाना चाहते हो, 10 बार है तो रिपीट आपके यहाँ 10 बार आपको टाइप हो गया, और इसे आप डायरेक्टली सेंड भी कर सकते हो जिसको भी सेंड करना हो, या फिर आप यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेंड एम्प्टी मैसेजेस। तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि आप एम्प्टी मैसेजेस डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते। आप कभी ट्राई करना व्हाट्सएप में कभी एम्प्टी मैसेज ब्लैंक मैसेज सेंड करने का, तो वो सेंड नहीं होगा। लेकिन इस ऐप के थ्रू आप ब्लैंक मैसेज सेंड कर सकते हो, लाइक अपना यहाँ पे एक सेंड एम्प्टी मैसेज में क्लिक करना है, व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो आपको पहला वाला दिख रहा है, और जिसे भी सेंड करना है तो आप एम्प्टी मैसेज डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। तो मैं बैक आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक फॉरवर्ड ऑल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरवर्ड ऑल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट यहाँ पे जो बता रहा है। इस ऐप इस फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लाइक व्हाट्सएप में जब शेयर आप करते हो तो मैक्सिमम 5 पर्सन एट ए टाइम आप शेयर कर सकते हो, लेकिन इसके थ्रू आप एक बार में सारे कॉन्टैक्ट्स को शेयर कर सकते हो, जितना मन उतना आप शेयर कर सकते हो। तो ये फंक्शन बहुत ही कूल है जो इस ऐप को बहुत ज़्यादा कूल बनाता है।
उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, रिकवर डिलीटेड मैसेजेस। तो आपका जो भी पुराना मैसेजेस एंड ऑल है, जितना भी पुराना अगर डिलीट हो गया हो बाय मिस्टेक, तो इस ऐप के थ्रू, इस फंक्शनैलिटी के थ्रू आप सारे मैसेजेस को रिकवर कर सकते हो। तो बहुत ही कूल है ना। सो अभी आगे और भी है। सो आप देख सकते हो यहाँ क्विक रिप्लाई का एक ऑप्शन है। तो क्विक रिप्लाई में अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे डिफ़ॉल्ट मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बहुत सारे डिफ़ॉल्ट मैसेजेस आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो इसमें मैं अगर किसी में भी क्लिक करता हूँ, तो डायरेक्टली व्हाट्सएप में आप सेंड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप बिजनेस में सेंड कर सकते हैं, या खुद का एक डिफ़ॉल्ट मैसेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, खुद का एक डिफ़ॉल्ट मैसेजेस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं और भी आपको कुल फीचर्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्रिएट व्हाट्सएप स्टेटस के नीचे सेव इंस्टाग्राम पोस्ट है। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम इसे कनेक्ट करना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम इसे आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो इंस्टाग्राम का पोस्ट को आप सेव कर सकते हो इसके खुद के गैलरी में, और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे उसको आप लगा सकते हो। तो है ना ये कूल फीचर। तो इससे भी ज़्यादा कूल फीचर है ये गिफ वाला, गिफ फाइल जो आप देख रहे हो, गिफ मैसेज में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे खुद का एक गिफ मैसेज आप क्रिएट कर सकते हो और सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप में। कस्टमाइज का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ क्रिएट गिफ मैसेज में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपका कस्टमाइज गिफ फाइल खुल गया, जो खुद से आप कस्टमाइज कर सकते हो कोई भी गिफ फाइल का। सो है ना ये कूल फीचर। सो अब बैक आते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट न्यू स्टेटस। तो आप जैसा कि जानते हो, व्हाट्सएप के स्टेटस में जब आप क्रिएट करते हैं, तो बहुत सारे टेक्स्ट का फॉन्ट देता है, ज़्यादा नहीं रहता है, 5 से 6 फॉन्ट रहता है, और बैकग्राउंड जो भी कलर्स रहते हैं। लेकिन जब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो, और क्रिएट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ऑप्शन मेरे को मिल रहे हैं। कैमरा से लेना है, या कोड आपको टाइप करना है, ट्रेंडिंग इमेजेस जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वैसा इमेज पोस्ट करना है। जैसे मैं टेक्स्ट पे लेता हूँ, व्हाट्सएप के जनरली सब टेक्स्ट में लगाते हैं, तो मैं देखता हूँ, मैं एक यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, आई एम हियर गुड नॉट फॉर अ टाइम। तो ये मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन बहुत सारे दे रहे हैं, टेक्स्ट फिल्टर स्टाइल स्टिकर इमोजी ड्रॉ इरेजर बैकग्राउंड, बहुत सारे आप चेंज कर सकते हो जो भी लगाना है खुद के कस्टमाइज करके। तो ये नॉर्मल व्हाट्सएप से बहुत ही हटके है। तो लाइक जैसे मैं स्टिकर यहाँ पे एक प्रोवाइड करके दिखाता हूँ, लाइक मैं स्टिकर यहाँ लगा देता हूँ, तो ऐसे स्टिकर आपको व्हाट्सएप में स्टेटस के टाइम में नहीं दिखते हैं। तो कूल फीचर है, जैसे मैं ये लगा देता हूँ। तो ऐसे करके आप बहुत सारे लगा सकते हो, जैसा मन आपको कहीं भी लगा सकते हो। तो मैं बैक होता हूँ। अब और भी कूल फीचर्स में एक लास्ट कूल फीचर है, ये स्टिकर मेकर। एक स्टिकर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी गैलरीज में है, उसे ये स्टिकर के फॉर्म में ये इसे लाइक इनहेरिट कर लेता है, वैसे ही एक स्टिकर मेकर है जो खुद का आप स्टिकर बना सकते हो, जैसा आपको मन है वैसा बनाने का। ये बहुत 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 ही कूल ऐप है। अगर आप चाहते हैं इस ऐप में एडवर्टीजमेंट शो ना करें, उसके लिए तो कुछ खर्च करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे, आप जैसा कि देख सकते हैं, रिमूव ऐप गेट व्हाट्सएप प्रो, नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें रिमूव एड्स, एडवांस चैट रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। अगर ये ऐप को आप यूज़ करो, अगर आपको लगता है ये ऐप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आपके लिए, तो आप इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हैं जो कि पेड है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।